मैं रमजान चौधरी बार जिला बार एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ और जो 15 रुकन कमेटी यहाँ बनी है उसका भी सदस्य हूँ। आज जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक 15 रुकन कमेटी यहाँ गठित हुई है, खास तौर पे डिंगरहेडी ताउडू में जो ये वहशियाना हरकत हुई है कुछ दरिंदों के जरिए से, उस पर निगरानी करने के लिए और इस बात को लेकर कि इसमें लीगलिटी और जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं उनको किस तरह से टेक केयर करके इनके खिलाफ जो है कार्रवाई बेहतर तरीके से हो सकती है। और जो पुलिस ने लकूने छोड़े हैं, जो एक कहीं ना कहीं ऐसा जो लगता है कि सरकार और पुलिस मिलकर इसमें कुछ लकूने छोड़ना चाहती है, उसको हम कैसे फिल अप कर सकते हैं। और हमको लगता है कि जो लापरवाहियां हुई हैं पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन की तरफ से, उनके लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि हम उनके ट्रांसफ़र की बात करें, सीबीआई की जांच कराएं और जो पीड़ित परिवार है तीनों परिवारों को 50-50 लाख की जो मुआवजे की राशि है वो दी जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। और पूरी बार एसोसिएशन जिला मेवात पूरे शुरू दिन से, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जिला बार एसोसिएशन ने ही मेमोरेंडम दिया था उनको इंसाफ दिलाने के लिए, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए, आज फिर बैठक हुई है, 15 रुकन कमेटी बनी है। पूरा जब तक इस मुकदमे को सही ट्रैक पर नहीं लाया जाएगा और इन दरिंदों को फांसी तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक जिला बार एसोसिएशन इन लड़कियों के साथ, उनके परिवार के साथ और तमाम इलाके के लोगों के साथ खड़ी होकर इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ेगी।